छिंदवाड़ा लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने छिंदवाड़ा में एक बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त की टीम ने यूनिवर्सिटी के कुल सचिव को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ये मामला छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में सामने आया है, जब कुल सचिव ने 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी और पहली किश्त 25,000 रुपये लेते हुए उन्हें लोकायुक्त की टीम ने धर दबोचा। दरअसल प्राइवेट कॉलेज के संचालक अनुराग कुशवाहा से कॉलेज चलाने के नाम पर यूनिवर्सिटी के कुल सचिव मेघराज निनामा ने अब 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। वहीं इस बात की शिकायत कॉलेज संचालक अनुराग कुशवाहा ने लोकायुक्त जबलपुर से की। शिकायत के बाद अनुराग कुशवाहा रिश्वत की पहली किश्त 25,000 रुपये लेकर सोमवार को यूनिवर्सिटी पहुंचे और रजिस्ट्रार मेघराज निनामा को ये रुपये दिए। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर रजिस्ट्रार को रिश्वत लेते पकड़ लिया। छिंदवाड़ा से संवाददाता मुकेश तिवारी की रिपोर्ट। आवेदक अनुराग कुशवाहा के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उनका एसएस कॉलेज जो छिंदवाड़ा में ही है उसको चलाने के लिए कुलपति जो है निनामा मेघराज निनामा जी द्वारा 50,000 की डिमांड की गई थी और आज पहले 25,000 की पहली किश्त जब उनको दी गई उसी समय लोकायुक्त की टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। पिछले एक साल से बहुत परेशान हो रहे थे हम लोग वहाँ पे। यहाँ पे ये बोला गया कि महाविद्यालय निनामा द्वारा बोला गया, मेघराज निनामा द्वारा ये बोला गया कि आपको कॉलेज चलाना है छिंदवाड़ा में हमारे रहते तो आप हमें साल का 1,00,000 रुपये दीजिए। मैंने कहा सर ये तो बहुत ज़्यादा है, तो बोले ठीक है अभी 50,000 दीजिए। तो जिसकी आज पहली किस्त 25,000 रुपये मैंने दी लाके इनको और ऐसा करा।